नमस्कार, जय हिंदुस्तान में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आदर्श। भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी और रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में भी पदक जीतने के कगार पर पहुंच गई हैं। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन सिंधु ने शुक्रवार को विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची को 21-13 और 22-20 के अंतर से मात दी। इसी के साथ वे सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं और अब सेमीफाइनल में उनकी भिड़ंत दुनिया की नंबर एक चीनी ताइपेई की खिलाड़ी ताई जी युंग से होगा। रियो में स्पेनिश खिलाड़ी कैरोलिना मारिन के खिलाफ खिताबी मुकाबले में हार का सामना करने के बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना पीवी सिंधु का टूट गया था, लेकिन अब उनकी राह में तीन कांटे बचे हैं जिनसे पार पाकर ही सिंधु को बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल बनने का मौका मिलेगा। सिंधु की राह का सबसे बड़ा कांटा दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी ताई जू यिंग है। सबसे लंबे समय तक दुनिया की नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड 27 वर्षीय यिंग के नाम दर्ज। साल 2018 के एशियाई खेलों में महिला एकल फाइनल में यिंग पीवी सिंधु के स्वर्ण पदक की राह में रोड़ा बनी थी। सिंधु और यिंग के बीच अब तक कुल 18 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 13 में सिंधु को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 5 बार ही उन्हें केवल जीत मिली है। सिंधु के खिलाफ लगभग 72% मैचों में ताई जू यिंग को जीत मिली है। साल 2020 में दोनों के बीच आखिरी बार भिड़ंत हुई थी और इसमें बाजी यिंग के हाथ लगी। 3 बार की ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन ताई जू यिंग के खिलाफ एक बार जाती है और वो ये है कि वे बड़े बड़े टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल और प्री क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकती है, जबकि सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 कांस्य, 2 रजत और 1 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। सिंधु और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल के बीच दूसरी बाधा बन सकती हैं दुनिया की नंबर 2 चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी चेन युफेई। चेन युफेई और सिंधु के बीच अब तक 10 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से सिंधु को 6 में जीत मिली है और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। युफेई ओलंपिक में पहली बार भाग ले रही है, जबकि सिंधु लगातार दूसरी बार खिताबी जीत हासिल करने के इरादे से टोक्यो पहुंची। बड़े टूर्नामेंट की बात करें तो सिंधु का एशियाई खेलों, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक खेलों में उनसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। ऐसे में अगर सिंधु के फाइनल में युफेई से भिड़ंत होती है तो उनके लिए गोल्ड जीतने की राह थोड़ी आसान हो सकती है। स्वर्ण पदक और सिंधु के बीच टोक्यो ओलंपिक में तीसरा रोड़ा बन सकती हैं चीनी खिलाड़ी बिंग जियो। दुनिया की नंबर 9 खिलाड़ी जियो और चीन युफेई सेमीफाइनल में भिड़ेंगी। इस मैच में जीतने वाली खिलाड़ी फाइनल में पहुंचेगा। यदि इनकी भिड़ंत पीवी सिंधु से होती है तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। विश्व रैंकिंग में 7वें पायदान पर काबिज सिंधु का रिकॉर्ड जियो के खिलाफ बेहद खराब रहा। दोनों के बीच खेले गए 15 मैच में से 9 मैच में सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सिंधु उनके खिलाफ जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेंगी। पीवी सिंधु करियर में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी कभी नहीं बन सकी है, लेकिन मौजूदा विश्व चैंपियन होते हुए वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लेती हैं तो वो ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएंगी। यदि इस बार उनके हाथ सोना लगता है तो वे ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन जाएंगी। अपने इस सुनहरे ख्वाब को पूरा करने के लिए पीवी सिंधु कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में जीत के बाद सिंधु ने जैसी हुंकार भरी है उसकी गूंज टोक्यो के साथ साथ आने वाले कई सालों तक विश्व बैडमिंटन में सुनाई देती रहेगी। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई दिलचस्प जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी हिंदुस्तान।